जय हिंद दोस्तों। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग वॉइस के बारे में देखे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको स्ट्रक्चर बताए थे, उसकी आइडेंटिटी और उसके एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करें, कैसे एक्टिव सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, उसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज इस वीडियो में मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस में है ना क्या डिफरेंस है, कैसे उसके ट्रांसलेशन को हम लोग बनाते हैं, उसको हम लोग समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग लिखे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक्टिव और पैसिव वॉइस ये कैसा होता है? तो स्ट्रक्चर तो दो होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दो स्ट्रक्चर होगा, एक होगा एक्टिव स्ट्रक्चर और एक होगा पैसिव स्ट्रक्चर। तो देखिए यहाँ स्ट्रक्चर लिखा है, यहाँ लिखा एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। या तो सब है ना वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म होगा, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव स्ट्रक्चर हुआ। और ये पैसिव स्ट्रक्चर जो आपको कल मैंने बताया था इससे पहले वाले वीडियो में, सब्जेक्ट होगा ईच आर एम अबव का थर्ड फॉर्म होगा, तब प्लस बाय प्लस एजेंट होगा, है ना। तो ये मेन बातें होती है। अब किस तरह का सेंटेंस एक्टिव में, किस तरह का पैसिव में, आपको एक्टिव और पैसिव का डेफिनेशन बताए थे, एग्जाम्पल भी बताया था मैंने, उसमें ये बताया था कि यदि काम करने वाला सब्जेक्ट के जगह पर होगा तो वह एक्टिव होगा, और यदि काम करने वाला ऑब्जेक्ट के जगह पर होगा तो पैसिव होगा। कहने का मतलब यानी वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार होगा तो एक्टिव होगा और ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा तो पैसिव होगा। चलिए एक एग्जाम्पल हमने लिखा है, यहाँ देखिए लिखा है राम आम खाता, इसमें देखिए राम सब्जेक्ट है, आम ऑब्जेक्ट है और खाता है वर्ब है। अब इस सेंटेंस को देखिए, राम आम खाता है, तो इससे पता चलता है खाना खाने का काम कौन करता है? राम करता है। और ये किसके जगह पर है? सब्जेक्ट के जगह पर है, इसलिए ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है। और इसका जब अंग्रेजी में आप ट्रांसलेशन करेंगे तो इस एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर पर करेंगे, ये एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है इसके अनुसार करेंगे। इसमें सब्जेक्ट देंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का फिफ्थ फॉर्म देंगे, तब ऑब्जेक्ट देंगे। अब यहां देखिए लिखा है राम ईट्स ए मैंगो, राम ईट्स ए मैंगो, राम आम खाता है का अंग्रेजी ये एक्टिव वॉइस में है। एंड अब देखिए लिखा है राम सॉरी आम खाया जाता है, ये दूसरा एग्जाम्पल, इसमें देखिए आम सब्जेक्ट है, खाया जाता है वर्ब है। तो अब ये बताइए, जैसे ये सेंटेंस में राम खाने का काम खुद करता है या आम खाने का काम करता है कि आम को ही खाया जाता है? बताइए आम को खाया जाता है, मतलब वर्ब का प्रयोग इसके अनुसार नहीं हुआ है, खाने का काम कोई और किया है, या सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब का प्रयोग नहीं हुआ, तो ऐसे सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कहते हैं। और इसका स्ट्रक्चर ट्रांसलेशन जो है इस पैसिव स्ट्रक्चर के अनुसार बनाया जाता है। चलिए इसका अंग्रेजी हम लोग लिखते हैं, ए मैंगो, ए मैंगो सब्जेक्ट हो गया, तब इज आर एम में से एक दीजिए, तो इसमें देखिए सब ए मैंगो सिमिलर है इज हो जाएगा, तब मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म दीजिए, खाना का अंग्रेजी ईट होता है, ईट का थर्ड फॉर्म ईटेन, ए मैंगो इज ईटेन, ऐसे हम लोग इसको बनाते हैं। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर पढ़ते हैं उसका भी यूज होता है। इस तरह हम लोग एक्टिव और पैसिव वॉइस के सेंटेंस को समझते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में और उसका ट्रांसलेशन करते हैं। फिर एक और एग्जाम्पल देखिए लिखा है, वे लोग गरीबों को मदद करते हैं, वे लोग गरीबों को मदद करते हैं। इस सेंटेंस में देखिए वे लोग सब्जेक्ट है, गरीबों को ऑब्जेक्ट है, मदद करते हैं वर्ब है ना, वे लोग गरीबों को मदद करते हैं, तो वे लोग सब्जेक्ट हो गया, गरीबों को ऑब्जेक्ट हो गया, मदद करते हैं वर्ब हो गया। तो मदद करने का काम वे लोग किया, ये सब्जेक्ट के जगह पर है, तो इस वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार हुआ, इसलिए इसको एक्टिव वॉइस में कहते हैं। और इसका ट्रांसलेशन इस एक्टिव स्ट्रक्चर के अनुसार बनाते हैं, पैसिव में नहीं बनाते। फिर लिखते हैं इसका अंग्रेजी, दे हेल्प
द पुअर, ये प्रेजेंट टेंस डेफिनेट का एक्टिव हो गया। फिर एक और एग्जांपल इसमें लिखते हैं दूसरे पार्ट में, है ना, गरीबों को उन लोगों के द्वारा मदद किया जाता है, गरीबों के द्वारा उन लोगों को मदद किया जाता है। अब इसमें देखिए, गरीबों को सब्जेक्ट है, उन लोगों के द्वारा ऑब्जेक्ट है, मदद किया जाता है वर्ब है। अब देखिए, गरीबों को उन लोगों के द्वारा मदद किया जाता, तो मदद किसने किया बताइए, उन लोगों ने किया, उन लोगों के द्वारा हुआ, तो ये मदद करने वाला किसके जगह पर है, ऑब्जेक्ट के जगह पर है, यहाँ वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अनुसार हुआ। तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस में कहते हैं। और इसका जब अंग्रेजी लिखना होता है तो इस प्रेजेंट एंड अपने टेंस के पैसिव स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। इसलिए आपको पैसिव स्ट्रक्चर याद रखना है, वर्ब के थर्ड फॉर्म को जितना याद रखिए उतना आपके लिए बेहतर होगा, है ना। तो अंग्रेजी ये पैसिव स्ट्रक्चर के अनुसार बनाइए। तो पहले सब्जेक्ट दीजिए, सब्जेक्ट कौन है, गरीब है, द पुअर हो गया ये सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद इज आर एम का प्रयोग कीजिए, आर हो गया, तब मेन वर्ब का तीसरा फॉर्म मदद करना मेन वर्ब है, हेल्प का थर्ड फॉर्म हो जाएगा हेल्प, तब बाय उन लोगों के द्वारा, देम बाय देम, दे आर हेल्प्ड बाय देम, इस तरह यह पैसिव वॉइस में हो जाएगा। तो आप एक्टिव सेंटेंस कैसा होगा, पैसिव कैसा होगा, प्रेजेंट एंड अपने टेंस से रिलेटेड है, इसको आप याद रखिए। ये आपको याद इसलिए जरूरत है रखना कि कभी आपको ट्रांसलेशन बनाना पड़ सकता है, तो सेंटेंस को जब तक आप पहचानेंगे नहीं ये एक्टिव में है कि पैसिव में है, वो कैसे बनेगा, तब तक आपसे संभव नहीं होगा। इसलिए इसको याद रखना बहुत जरूरी है। फिर एक और एग्जाम्पल देते देखिए, लिखा है शिक्षक हम लोगों को पढ़ाते हैं, शिक्षक हम लोगों को पढ़ाते। इसमें देखिए, शिक्षक सब्जेक्ट है, हम लोगों को ऑब्जेक्ट है, पढ़ाते हैं वर्ब है। तो पढ़ाने का काम किसने किया, है ना, शिक्षक ने किया, और वो किसके जगह पर है, सब्जेक्ट के जगह पर है। तो ये वर्ब जो हुआ वो किसके अनुसार हुआ, इस सब्जेक्ट के अनुसार हुआ, इसलिए यह एक्टिव वॉइस में है, इसका अंग्रेजी एक्टिव स्ट्रक्चर के अनुसार आपको बनाना होगा। तो क्या लिखते हैं, द टीचर टीचेज अस, द टीचर टीचेज अस, ऐसे आपको बनाना होगा। ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का एक्टिव है, ये प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस का एक्टिव सेंटेंस है, ये एक्टिव स्ट्रक्चर में होगा क्योंकि ये काम करने वाला सब्जेक्ट के जगह पर है। फिर यदि इसको ऐसा एक सेंटेंस आप देखते हैं, है ना, एक सेंटेंस ऐसा देखते हैं, है ना, हम लोग शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, हम लोग शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। इसमें देखिए, हम लोग सब्जेक्ट है, शिक्षक के द्वारा ऑब्जेक्ट है, और पढ़ाए जाते हैं वर्ब है। तो बताइए, पढ़ाने का काम किसने किया, शिक्षक ने किया, लेकिन शिक्षक किसके जगह पर है, ऑब्जेक्ट के जगह पर है। इसमें भी शिक्षक पढ़ाने का काम किया, लेकिन वो किसके जगह पर है, सब्जेक्ट के जगह पर है। इसमें भी पढ़ाने का काम किया, किसके जगह पर है, ऑब्जेक्ट के जगह पर है। तो ये चूंकि सब्जेक्ट के जगह पर है तो वर्ब का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार हुआ, ये ऑब्जेक्ट के जगह पर है तो वर्ब का प्रयोग ऑब्जेक्ट के अनुसार हुआ, इसलिए यह पैसिव वॉइस में हो गया। इसके लिए आपको पैसिव स्ट्रक्चर का मदद लेना होगा। पैसिव स्ट्रक्चर में बनाइए, सब्जेक्ट दीजिए, हम लोग का अंग्रेजी वी हो गया, वी के साथ इज आर एम में से, आर दीजिए, है ना, वर्ब का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब पढ़ाना है, पढ़ाना का अंग्रेजी टीच होता, टीच का थर्ड फॉर्म टॉट बाय द टीचर, बाय द टीचर, ये टीचर यहाँ एजेंट हो गया। तो इस तरह हम लोग एक्टिव सेंटेंस पैसिव सेंटेंस को समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखकर आप
है ना, एक्टिव सेंटेंस और पैसिव सेंटेंस के ट्रांसलेशन को समझ सकते हैं और उसको स्ट्रक्चर के हिसाब से बना सकते हैं, है ना। आपके लिए बहुत ही अहम वीडियो है, पूरा वीडियो देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।